सुन रहे हैं जी, आप कौन से चैप्टर हैं जी? 19 पे नाइन्टी पे पहुंच जी। गए, ये क्या पढ़ रहे हैं? जी 90 पे क्या है? जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम, बड़ी अजीब कहानी है। मेरी इनसे मुलाकात कई दफ़ा हो जी चुकी है, अपना इब्राहिम और बीबी सारा से और इसहाक जो इनके बेटे हैं, बल्कि इस्माइल से भी। तो कोई सवाल हो तो कर ले, कोई बट साहब। नहीं हजूर, एक 2-3 दिन पहले एक मैंने एक और देखा था, तो हमारे जो ये बड़े जिनके बैच में है ना, तो उनका मैंने देखा था कि मैं अपनी छोटी बेटी को लेके गया उनके डेरे पे, अच्छा, फैसलाबाद से थोड़ा सा आगे उनका डेरा है ये कौन समुंदरी है, पे। ये कौन है? ये सजाद अली शाह है अच्छा, पीर है। जी। अच्छा तो जब छोटे होते थे तो उनके बैत हुए थे, क्योंकि पूरा खानदान ही उधर जाता था हमारा। अच्छा अच्छा तो मैंने अखबार में देखा है कि मैं अपनी छोटी बेटी को लेके गया हूँ उधर। मेरी जो सबसे छोटी बेटी है ना इधर, वो ना अच्छा सुन सकती है ना बोल सकती है, अच्छा तो मैं उसको लेके गया हूँ उधर। तो जैसे ही मैं उधर पहुंचा हूँ, तो उधर मर्दों वाला हिस्सा क्रॉस करके जब मैं औरतों वाले हिस्से पे पहुंचा, तो वहां एक दरवाजा लगा हुआ है, उसके बाद वो औरतों वाला हिस्सा शुरू होता है। अच्छा जाके पहुंचा हूँ तो मेरी छोटी बेटी जो है मेरे साथ है, अच्छा सबसे छोटी बेटी जो है अच्छा एमी नाम है उसका। अच्छा तो वो इस तरह जैसे किसी छत पे चढ़ गई है ना, तो वो बोल रही है। जब वो बोलने की कोशिश करती है तो जाहिर आता है बोल तो नहीं सकती, उसकी वादे निकलती हैं आ इस तरह की अच्छा ना, अच्छा तो ऐसे ही लगता है जैसे ये चीख रही है। अच्छा तो उसकी आवाज सुन के तो अंदर से एक बच्चा बाहर निकला है, बच्चा कह लें यानी इतनी ज्यादा उम्र का नहीं, को 16 साल का कह लें। अच्छा तो वो बाहर निकला है, तो मैं उसको, बहनों कोई मसला नहीं, ये मेरी बेटी है, इधर देख रहा था, इधर देख रहा हूँ किधर से आवाजें आ रही है। तो अच्छा मैं उसे कह रहा हूँ कि मैं, ये मेरी बेटी है। उसके बाद मैं अंदर, क्योंकि सिर्फ हमें अलाउ है कि हम उधर औरतों वाले हिस्से में भी जा सकते हैं, अच्छा तो मैं जूं ही अंदर गया हूँ, लेकिन वहां उनमें से यानी कि उनके जो यानी कि हमारे पीर साहब हो, जो दूसरे और उनकी औरतें हैं, हमने जी उनमें से कोई भी मुझे नजर नहीं आया उधर। अच्छा, तो इनकी सजात ये जो है आपके, इनकी तस्वीर दे देना तो शायद मुलाकात हो जाए और इस ख्वाब से पता लगता है। मैं पहले आपको समझा दूँ ख्वाब। जब इंसान सफ़र करता है मौत के बाद की ज़िंदगी में और चीज़ें देखता है, तो वो चीज़ें आके जब बताने की कोशिश करता है तो सूफी भी गूंगे हो जाते हैं और नबी भी गूंगे हो जाते हैं, बता नहीं सकते। तो सूफियत, जुनैद बगदादी कहते हैं कि सूफियत में एक कमाल ये है कि जब दीदारे इलाही हो जाता है, जनते देख लेता है, तो वो बताना चाहे भी तो नहीं बता सकता, तो उसकी मिसाल गूंगे जैसी हो जाती है। जैसे मोहम्मद साहब भी कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, अगर बताऊं तो तुम चेहरों पे कालक डाल के जंगलों में दौड़ जाओ और वापस ना आओ। ये हाल है मौत के बाद की ज़िंदगी का। और ईसा, हम तो ईसा इब्ने ज़करिया कहते हैं उनका बाप, वो कहते हैं कि मैं अगर वो हाल बता दूं जो मैंने देखा है तो इंसानियत समझ नहीं पाएगी। तो ये जो ख्वाब आपकी बेटी का है, ये इनडायरेक्ट बता रहा है कि सज्जाद साहब आपके ज़रिए बैत लेना चाहते हैं, बैत करना चाहते हैं आपके ज़रिए। तो अतर साहब दुआ कर दें सजाद साहब के लिए और मुझे तस्वीर दिखा देना। तस्वीर है कोई उनकी? जी हजूर जी, है तस्वीर नहीं है मेरे पास उनकी, मैं लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मंगवाने की। तो
उनसे मुलाकात हो जाएगी। और मुराद ये है कि वो अब ये बेटी छत पे चढ़ी है और आवाज़ें निकाल रही, तो मुराद ये है कि सज्जाद साहब भी कुछ बातें बताई, इसलिए नहीं कि मुसलमानों ने उनका भी सर तन से जुदा कर देना था, क्योंकि जो कोई ऐसी बात कर जाए जो मुसलमानों की समझ में ना लगे तो वो कहते हैं ये कुरान के खिलाफ और हमारे नबी के खिलाफ बातें कर रहा है। जी तो जैसे वो थे हमारे अमीर वली, वो लिख लिख कर तहखाने में डालते जाते थे, तो तहखाने में कागज़ बहुत भर गए। तो मैं, उसका ताले की चाबी मेरे पास थी, तो मैं, अच्छा मानने वाले तो बड़े हज़ारों थे उनके, लाहौर में इनका मज़ार भी है, तो मैं नीचे जाके जब वो देखता था तो मैं हैरान रह जाता था, इतनी मार्फत इलाही और इसका जिक्र क्यों नहीं हो रहा। तो मैं पूछता था तो कहते थे कि मेरे मानने वाले ही मुझे मार देंगे, मेरे मानने वाले ही मुझे मार देंगे, क्योंकि वो ये समझेंगे ये तालीम जो है ये कुरान और मोहम्मद की तालीमात के खिलाफ है। तो जब वो मर गए तो फिर उन्होंने वहाँ से मज़ार बनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो तहखाने में गए तो फिर बहुत बुरा हाल हुआ, उन्होंने फिर सब आग लगा दी। वो जो वो लिखते रहे उनके मामला खुदा से क्या हुए, फिर यहाँ तक मामला पहुँचा कि उन्होंने कहा ये मुसलमानों के कब्रस्तान में भी नहीं दफन होगा, यहाँ तक मामला। तो 1986 के अंदर मैं था, तो फिर कुछ फासले पर जाके उनके मुरीद भी बड़े थे, तो फिर उनका मज़ार बन गया, तो मैंने दुआ भी कर दी। तो ये हाल है, ये हमेशा मरे हुओं की पूजा करते हैं, जिंदाओं को नहीं पूछते, ये मर जाए ना ये फिर ये मज़ारों के चक्कर लगाते हैं। तो जितने भी ये सूफी हैं पीर हैं, ये बात जब करते थे तो दिल की बात ऐसे शख्स से करते थे जो कहीं राज फाश ना कर दे, दिल की बात दिल में। तो कोई इक्का दुक्का कोई मिल जाता था, अब वो हमारे में अमीर वली साहब थे, हज़ारों में वो दो शख्स थे जिनसे उन्होंने बात की अपने दिल की, अब बताएं आप, और मैं तीसरा था। तो एक दिन वो ये कहते कि मैं तो मरने लगा हूँ लेकिन मुझे खुदा ने दिखाया है कि जितनी सूफियत गुजरी है वो जन्नतों में वो दुआ मांग रहे हैं कि उनकी दुआ मैं बन जाऊं। तो जब मैंने मिशन शुरू किया तो उन्होंने फिर चाहा कि मुझे भी अपना वहीं ठिकाने लगा दें। तो बच्ची की आवाज़ जो गूंगी बता रही है कि सूफियत जो है वो अपना कलाम अपने साथ ले गए, बात समझ में आई आपकी, जी, वो अपने साथ ले गए डर और खौफ की वजह से, और जो नहीं लेके जा सके उनका सर तन से जुदा कर दिया। तो ये बड़े बुरे हालात हैं। इस पर मोहम्मद अली जिना ने एक बात कही थी कि मजहब की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि वो किसी, वो गवर्नमेंट के कामों, गवर्नमेंट की जमहूरियत में हिस्सा, यानी कि टांग अड़ाए, पंगा ले, लेकिन उसको भी मार दिया उन्होंने। तो ये मौलवियों का जो राज है इसके मुतलिक तो फिर मोहम्मद साहब कह गए थे ना कि ये आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे, बदतरीन मखलूक, और फितना इनसे शुरू होगा, इन पे ही जाके ख़त्म हो जाएगा, जब चाहेंगे आग लगा देंगे, जब चाहेंगे बुझा देंगे। और जी, इस्लाम नाम की चीज रह जाएगी, काम कोई नहीं होगा। तो बेटी का छत पे पहुंचना ये बता रहा है कि सजाद साहब दरमियानी दुनिया में है, दरमियानी दुनिया में, दोजख है फिर आलम बरजख है, आलम बरजख जो है उनके भी कोई खरबो जहान है,
कितने जहान है? खरबों। तो आलम बरज़ख के अंदर कुछ रंग दुनिया का है, यहां की दुनिया का, और कुछ रंग रूह की दुनिया का है, आखरत का। तो अब जो जो ऊपर जाना शुरू हो जाए, वो अंधेरे दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो मैं पता करा लूँगा सरजाद साहब का। तो महसूसियात मेरी ये हुई है इस ख्वाब से कि वो ईमान लाना चाहते हैं। तो फोटो भेज देना, जो ही फोटो मैं देख लूँगा तो फिर आसानी हो जाएगी उनसे मिलने जी में, हजूर, उनसे जी, मिलने फोटो में भेज। आसानी हो जाएगी। बाकी ये बेटी जो, अच्छा आपको ये भी बता दूं, बेटी गूंगी, गूंगा, लंगड़े, अपाच, खुदा ने कहा है कि इनके साथ हिसाब किताब नहीं होगा। वाह वाह और हिसाब किताब भी नहीं होगा खुदा ने कहा, बल्कि ये अपने वालदैन को हाथ पकड़ कर रोते हुए ऐसे ले जाएंगे अच्छी दुनिया में कि फरिश्ते भी कुछ नहीं कर सकेंगे। वाह 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 तो बाकी रूह की दुनिया में ये गूंगी नहीं होगी, ये लंगड़े, ये अपाच, ये लूले, ये सारा काम हो गया कि हम खुदा को भूल बैठे हैं। ये अपने नाकर्दा गुनाहों की अबाउजदाद की हम भुगत रहे हैं, जी। नाकर्दा गुनाहों की सजा। तो वो कहते हैं ना कि, क्या कहते हैं कि गंदम में घुन भी पिस जाती है, गंदम के अंदर जी घुस भी पिन जाती है। तो जब ये आदम रब के रस्ते को छोड़ गया, तो खुदा ने एक बात कही थी कि तूने अपनी औलाद यानी आने वाली नस्लों पर बहुत जुल्म किया, खुदा ने कहा था। आ जी गए नहीं वो भी रगड़े के अंदर। तो अब फिर ये शुरू हुआ है 2000 साल के बाद, 1500 साल इस्लाम गुजर गए, अब खुदा की दुनिया का वक्त आ गया है मुझसे। अब खुदा ये कह रहा है मैं तुझसे खुश हूं, मैंने सारी बुनियाद तैयार कर दी। तो आप ये जो जो किताबें पढ़ते जाएंगे, मैं समझता हूं आपका दिल पूरी तरह दुनिया से उछाट हो जाएगा जी और अंदर एक ऐसा नूर आएगा कि आपके दुनिया के काम खुद ब खुद होने शुरू हो जाएंगे जी वाह और वाह आपको खुदा नौकरी दे देगा अपनी मोहब्बत के लिए कि आप सिर्फ और सिर्फ खुदा का काम करें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। समझे बहुत कि नहीं? तो ये दुनिया ऐसी चीज़ है कि जब हम इसकी तरफ भागते हैं तो ये हमें थका देती है। क्या करती है? थका देती है। और मिलता कख नहीं, मिलता कख नहीं, थका भी दिया कख भी नहीं मिला और कब्रिस्तान में भी पहुंचा देती है। जी लेकिन जो खुदा की तरफ दौड़ता है ये दुनिया उसके पीछे दौड़ती है, वाह बल्कि खुदा वाला जो है वो इस दुनिया को थका देता है। अब देखे ना, मैं अब 10 किताबें आप जब सुनते जाएंगे, करना कराना क्या होगा, आप सुनते जाएंगे आंखों में से आंसू निकलेंगे, दिल की हालत बदल जाएगी। सुनते सुनते हमारे एक मानने वाले हैं, वो बेचारे नाम नहीं लेते, 400 लोग ऐसे हैं जो छुपे हुए रुस्तम हैं पाकिस्तान में। अच्छा 400 ऐसे हैं, वो बेचारे नाम नहीं लेते क्योंकि उनमें से 2 पे बड़ा जुल्म हुआ, उनका पता ही नहीं लग रहा है कि वो कहाँ पे गए। तो उनमें से एक बताते हैं कि मैं आपकी किताब पढ़ रहा था, बूढ़े आदमी हैं, बूढ़े थे, किताब जी पढ़ रहा था, किताब पढ़ते पढ़ते मेरी हालत ऐसी हुई कि मुझ पर मौत आ गई, मुझ पर मौत आ गई। तो मैं उनसे मिला रूह की दुनिया के अंदर। तो मैंने कहा भाई तुम कैसे मरे? कहा हजूर मैं आपकी किताब पढ़ रहा था,
मुझ पे वजद का ऐसा ताल आलमतारी था कि मेरी वफात हो गई, बड़े बूढ़े थे और मुझे पता नहीं चला कि कब मुल्कुल मौत आया। मैंने जब आंख खुली तो अपने आप को जंतों में पाया। वाह वाह, तो कहते, मैंने कहा फिर तुम्हें पता कैसे चला तुम वफात पा गए? कहा हजूर वो ऐसे पता चला जब मैं वो आपकी किताब को सुन रहा था, जब मैं किताब को सुन रहा था उस वक़्त मैं जंतों में पहुंचा, लेकिन मुझे नहीं पता चला मेरी मौत हो गई। जब मैं जंतों में पहुंचा तो वहीं से फरिश्ते किताब को फिर सुनाने लगे। वाह तो ये रास्ता जो है, ये है तो बड़ा कठिन। इस रास्ते को ऐसा है जैसे हाथ पे आप अंगारा रख लें, क्या कहते हैं, हाथ पे जी, हाथ पे अंगारा। अंगारा रख लें और फिर हाथ चले तो कहें हजूर ये तो हमने नहीं सोचा था। ये हाथ पे अंगारा है, लेकिन ऐसा होता है कि ये अंगारा जो है ये मोहब्बत इलाही का बीज है। क्या है मोहब्बत इलाही का बीज? ये पहले तो लगेगा कि हम जल रहे हैं, फिर बाद में वही हाल हो जाएगा जो इब्राहिम का हुआ था कि अंदर की आग इतनी ज़्यादा थी कि जाहिर की आग ठंड, वो ठंड पा गई है। अंदर की आग ने, वो देखो ना, वो कह रहे थे कि बादशाह ने कहा तू ये क्या करता है, ये आग है, तू अभी धक्का मिला तू ये तो तू तो राख हो जाएगा। उसने कहा मेरी अंदर की मोहब्बत की आग ऐसी है कि ये आग अब मेरे लिए कुछ नहीं रही। सफर लंबा है, लेकिन एक बात की आपको जमानत देता हूं और इसको मैं गवाह ठहरा के कहता हूं, अगर आपने आखिरी सांसों तक ये मोहब्बत की कहानी को खुदा की तकमील तक पहुंचा दिया तो आपका हाथ पकड़कर मैं खुदा के पास खुद लेकर जाऊंगा। ये वाह इतना बड़ा वादा है। वाह, आप फरिश्ते जितनी मखलूकात हैं बड़ी बड़ी, उनसे कहेंगे हजूर ने हमें ये वादा दिया था, हमने आखिरी सांसें खुदा को दे दी, खुदा का काम करते हुए दे दी, अब हजूर आप अपना वादा पूरा करें। ठीक है, तो ये आपकी नस्लों में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, क्या कहते हैं, अबाऊ अजदाद, अबाऊ अजदाद, जी अबाउट अबाऊ अजदाद, जी तो उसकी वजह से ये गूंगे अपाच। लेकिन खुदा ने मुझसे कहा है कि मेरी दुनिया में ना कोई लंगड़ा होगा, ना अपाच होगा, ना कोई बीमार होगा, ना कोई एक्सीडेंट होगा, जी ना कोई हादसा होगा, ना कोई एक्सीडेंट होगा, ना कोई बदकिस्मती होगी। हत्ता के 100 साल की उम्र हर बच्चा पाएगा, कोई 40 साल में कामिल हो जाएगा मोहब्बत में, कोई 20 साल में, कोई 60 साल में, और खुद ही कह देगा, खुद ही कह देगा घर को, रिश्तेदारों को, भाई अब मुझसे खुदा की याद, पिया की याद बर्दाश्त नहीं होती, अब मैं जाना चाहता हूँ। वाह पिहन की याद आए और दिल बेकरार हो जाए, अब मुझसे वाह, नहीं रहा जाता है, और खुदा भी कहेगा तूने अपनी मोहब्बत को मेरी मोहब्बत से मिला दिया, जब चाहे आ सकता है। वाह याद पिहन की आए, अब ये दुख जो है ये पिहन ये बर्दाश्त नहीं होते तेरी लिकाए इलाही के बगैर। तो जब वो कह देगा कि मैं आपको बता रहा हूँ जरा, मैं तो ये सारी चीज़ें देख चुका हूँ, मैं अभी आपने देखी नहीं है, अभी हो जाएगा ये मामला 80 साल में। तो जब वो बता देगा कि भाई मैं जुमेरात को 10 बजे अपनी रूह छोड़ने वाला हूँ, तो रिश्तेदार भी आ जाएंगे, ऐरे भी आ जाएंगे, गैरे भी आ जाएंगे, तो जब जिस्म से रूह निकलेगी हर आंख देखेगी कि रूह निकलकर बादलों की तरफ जा रही है, आया है, और फिर वो सबको कहेगा देख लो मैं खुश हूँ, मेरे पास नूर भी है, अब मैं खुदा के पास जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पियन की याद बड़ी सताती है। तब वो परवाज़ कर जाएगा, मुझे कसम खा के बताएं आप रोएंगे कि खुश होंगे?
खुश हो जी। या रोना पीटना शुरू कर देंगे। अब हाल ये है कि उधर मुर्दे पे मुसीबत आई हुई है, इधर हमारे पे मुसीबत आई हुई है। ना मुर्दे को पता कहाँ जा रहा है, और जो दफनाने गए वो भी अंधे, वो भी अंधे। जी तो वो ईसा कहता है एक तो मरा हुआ है, ये जो दफनाने गए ये भी मुर्दा है, क्योंकि इनकी भी कोई ताल्लुक तो है ही नहीं खुदा से, ये भी सारे मुर्दे। तो अब मुर्दों की दुनिया जो है, अब खुदा चाहता है इसे माजी का हिस्सा बना दे। जी और नई दुनिया जो है, खुदा ने कहा मैं फर्क बता देता हूं तुझे, करोड़ों खरबों साल की कहानी है, खुदा ने कहा सुन ले, मुख्तसर आपको बता देता हूं, ऐसे ऐसे नबी आए, ऐसे ऐसे काम किए, बल्कि जिंदा उनको दफना दिया गया, जिंदा दफनाया। आप सोचे आप नबी हैं, आपको जिंदा दफनाया जाए, आप पर आपका क्या हाल होगा, आप सोचें जी। क्या हाल होगा। कब्र खोद के जिंदा डाल के ऊपर से मिट्टी डालें, ऐसे ऐसे नबी थे जिन्होंने मोहब्बत में उफ़ नहीं की, ऐसे ऐसे नबी थे जिनको खोलते हुए तेल में डाल दिया गया, और खुदा को उन्होंने उफ़ नहीं की, बल्कि अपने दिल का दुख नहीं बताया। करे बात है, ऐसे ऐसे नबी आए हैं कि जब उनके बच्चों को शेरों के आगे डाला गया तो आसमान की तरफ कहने लगे कि क्या तू वो इंसान दिखाएगा जो तेरी बादशाहत लेके आएगा। और बच्चों को बचाने के लिए अपना जिस्म दिया कि मेरे कुछ देर के लिए बच्चे जिंदा रहे। फिर दूसरे शेर आए, उन्होंने बच्चों को भी खाया, तो वो देख रहा था, वालदैन देखें कि दूसरे शेर आपके बच्चों को खाएं, आपके दिल पे क्या बीतेगी। जी। मैं आपको बता रहा हूं ये खरबा सालों की कहानी है, और होते होते एक वक्त ऐसा आया कि जब मैं खुदा के हजूर बैठा हुआ था तो मैंने कहा खुदा 6 साल से मैंने ये ताने बाने बनाए हैं इस पुल के इंसानियत तुझको मिल ले, अब मेरी एक विनती है, एक तमन्ना है, अगर तू पूरी कर दे। खुदा ने कहा कर, पूछ मुझसे क्या पूछता है। तब मैंने कहा खुदा को कि मुझ पर खिजां का जमाना आ चुका है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़े के बाद खुदा खिजां आ जाती है ना जी, क्या ख्याल है आपका, जी पते छते झड़ जाते हैं। तो हमारे पते छते झड़ रहे हैं अब, तो मैं यहां से जाऊंगा जब तक तू मेरी एक तमन्ना पूरी कर दे, क्योंकि जब से इंसानियत बनी है खरबों थड़बों सालों से नबी आते रहे, लेकिन आज भी इंसानियत तेरी शक्ल देखना चाहती है, तेरी तस्वीर देखना चाहती है। क्योंकि जब उनके कोई मोहब्बत वाले हों, मोहब्बत वाले दूर हों, तो वो अपने बच्चों की, अपनी बीवी की तस्वीर दे के 2-4 आंसू बहाकर उन्हें जब याद आती है तो तसल्ली हो जाती है। तो मैंने कहा खुदा या तो मेरा नाम काट दे आज कि मैं तेरा दिल नहीं, या मुझे अब तेरी तस्वीर बना ले दे। काफी देर खुदा बैठ के मुझे देखता रहा देखता रहा। जब मैं चलने लगा तो मुझे बुलाया, कहा जा, मैंने तुझसे ये वादा किया कि अब मेरी तस्वीर बनेगी और बनाने वाला भी नबी होगा, और तू जो है तू उसकी आंख होगा, वो तेरे हाथ हो जाएगा, वाह खुदा ने कहा। वाह उसके बाद ही ये अपना अतर साहब से मुलाकात हुई साउथ अफ्रीका से। अच्छा, इनके आने से पहले नेल्सन मंडेला आए, तो मुझे नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका में कोई ऐसा शख्स होगा। नेल्सन मंडेला के आने के फौरन बाद कोई 1 माह बाद इनका खत आया अतर साहब का कि वाह मैंने आपको देखा रूह की दुनिया में। तो खुदा ने कहा ये तस्वीर जो है ना, अब ये फैसला कर देगी कि माजी में कौन है, मुस्तकबिल किसका होगा। हाँ
आप बेफिक्र होके आसमानों पे यहां तक हो चुका है कि मैं आपको एक बात बता देता हूं। मैं खुदा के हजूर पहुंचा तो मेरी आदत यह है कि मैं पीछे बैठता हूं, पीछे। तो वहां जी और भी मखलूक आई हुई थी नूर की, परंतु खुदा ने कहा आ गया आ गया आ गया आ गया, करते करते तख्त पे जा पहुंचे। खुदा ने कहा तख्त के ऊपर आ जा। मैंने कहा खुदा ये काम जी मुझसे नहीं हो सकता। मैंने वहीं सजदा, खुदा ने हाथ पकड़ के तख्त पे बिठा दिया। जब तख्त पे बिठा दिया खुदा ने, तो कहने लगा अगर आज तू कहे तो मैं तुझे अपनी खुदाई देने के लिए तैयार हूं। वाह वाह मांग आज। तो मैंने कुछ नहीं मांगा, मैं सजदे में रोने लगा। जब मैं रो रहा था तो खुदा ने उठाकर मुझे कंधों पे बिठा के कहा तू मुझसे भी बड़ा खुदा है। वाह देखा, वाह देखी मोहब्बत। कभी वालदैन ऐसा करते हैं ना बच्चों के साथ, उठा के उनको कंधे पे। जी, वाह वाह आप वालदैन हैं, कभी ऐसा भी हुआ कि आप बच्चों के पांव चूमते हैं? आए हाय जी, बहुत अफवाह जी। बहुत दफा हुआ है। खुदा ने मेरे पांव चूमे। इतनी वाह मोहब्बत है। जब मोहब्बत वो कर लेता है ना किसी से, तो सारे जहानों में कहता है कि मैं इससे मोहब्बत कर चुका हूं। ऐ सारे जहानों की जन्नतें, तुम भी इससे मोहब्बत करो आप। बस वाह फिर क्या है, बस फिर आपकी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। मैं जहां मैं होऊंगा वहां आप होंगे। वाह लेकिन काम भी करना है, कहीं ये ना समझेंगे अपना काम के बगैर। जी वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो चूना नहीं मांगना, वो क्या कहते हैं, जब आप बचपन में जब जाते थे ना शक्ल लेने, तो कहने चूंगा थे तू जी दिता ही नहीं। जी सिर्फ चूंगा नहीं मांगना, कुछ काम भी करना है। जी जरूर तो काम के बाद, क्योंकि देखे कितने भी अंबिया आए, जितने भी अंबिया आए वो कहते थे कि ए रब काम के बाद तू मुझको मेरी जजा देना है एक्चुअली। जी तो अब काम का ये है, अतर साहब ही बता सकते हैं आपको, ये नज़दीक है कि क्या काम करना है। जी तो आहिस्ता आहिस्ता पर्दों से निकलना पड़ेगा। तो मैंने तो हमारा तो यही, मैं देख भी चुका हूँ, शहर भी दिखा दिया गया है कि किस शहर में वो आपका शहर कला, आज से 100 साल के बाद वो शहर आपके नाम से याद होगा, ओह वाह अतर साहब के नाम से। जो भी काम करेंगे अकबर साहब का, मैंने नाम देखा अतर साहब के साथ कि जिंदगी गुजर जाएगी अब आराम के साथ, अब मेरे तेरा नाम भी आएगा मेरे नाम के साथ। नाम के तो मैंने आपका भी देखा। तो यहाँ आकर सेट होकर यहाँ भी काम करना है, लेकिन मैं आपके साथ फिर आऊँगा साउथ अफ्रीका में, क्योंकि मैं नेल्सन जी मंडेला को एक वादा दे चुका हूँ। नेल्सन मंडेला ने जी कहा कि 27 साल के बाद इस साउथ अफ्रीका का को मैं ऐसे ही बरकतें मिलेंगी अतर को और आपको, जैसे मेरा हाल हुआ 27 साल के बाद। वाह तो ये रात अंधेरी है, लेकिन ए रात की तन्हाई से घबराने वाले, ये मेरा शेर है, जी इसी रात की आगोश में सवेरा है। रात तो गहरी हो जाए तो सवेरा नज़दीक है। अब चाहते क्या हैं हम, वो चाहते ये हैं, पहली सीढ़ी तो ये है कि वो फारिग हो जाए। जहूर साहब को मेरी आवाज आ रही है, पूछना। जहूर जी आ रही है साहब जी, बात जहूर आ आ रही रहे है। हैं। पहला जो कदम है, जब सुनते सुनेंगे तो दुनिया से उचाट और दिल में सुकून आ जाएगा, ये काम हो जाएगा।
चाहे आप कितने ही मालदार बन जाएं, क्या कभी कभी क्या सुकून खरीद सकते हैं आप? कभी सुकून भी खरीदा जाता ऐसा है, अमन भी खरीदा जाता से है। कभी सुकून नहीं मिला हाँ दूर नहीं, भाई। पहले तो पहली नहर जो वो बहाएगा आपके दिल के अंदर, वो सुकून की नहर बहा देगा। अच्छा, उस नहर के अंदर क्या होगा ये भी सुन लेना। उस नहर जो दिल की एक खिड़की होगी, दिल जो है उसके अंदर वो ऐसी नहर बहेगा कि उससे खरबों खिड़कियां दिल की खुलती जाएंगी। अच्छा ठीक है नहीं? तो उसके बाद जब सुकून मिल जाएगा आपको, तो दूसरा काम खुदा ने ये करना है, आवाजें मारेगा आपको रात को। आ जा माही, आ जा तेनू प्यार वाजा मारदा। भाई, वो मैंने लिखा था, आ जा माही आ जा तेनू प्यार वजा मारदा, तेनू प्यार वजा मारदा। मंगी है दुहाई, तो फिर आप दुहाई मांगेंगे उठ उठ के कि ये आवाजें मुझे कौन मार रहा है। तो फिर आवाज आएगी अकबर, आप देखेंगे ये क्या है, बट या जहूर, आप दाएं बाएं देखेंगे, फिर तीसरी चौथी आवाज पे वो कहेगा, ये मैं वो हूं जिसने कायनात को तखलीक किया अच्छा है। तू क्या खराटे मार रहा है लेटा हुआ। जी, तो फिर आपके खराटे नहीं लगेंगे। रात पवे ते बेदर्दानू नींदा प्यारी आमन, तो फिर आपका दिल टूटेगा, तो टूटिया दिल नू तांग सजन दी सुतिया आन जगावे। अभी तो आपका दिल भी तोड़ रहे हैं, क्योंकि साबित, अच्छा भला साबित है आपका दिल, समझे कि नहीं? अरे चंगे खाते पीते, ठीक है? तो मेरा एक दफा टूटे ऐसा हजूर, है जी। मेरे दो रेस्टोरेंट थे किसी जमाने में, बहुत मशहूर खास जगह पे, एक ग्रीकिश एक इटालियन था। तो एक दिन मैं चंगा मैं पहुंचा रेस्टोरेंट में, तो 10 लोग काम करते थे, तो किराया भी बहुत ज़्यादा था। पहुंचा तो उन्होंने खाने लगाए, तो उस दिन मैंने टिका के खाने खाए। उस रात मैंने देखा, मैं जंतों में खुदा की ज़ात प्रवास कर रही है और कहने लगी, जाहिद मेरी इंसानियत भूखी मरी और तू डट के खाना खाया है। अच्छा तेरे जमीन ने गवारा नहीं किया कि तूने ये जिब खाना खाया डट के? उसके बाद मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैंने दोपहर का खाना ही छोड़ दिया। सुबह को भी थोड़ी सी कोई लगा कर गुजारा करता हूं, शाम को भी अगर भूख ज्यादा हो जाए तो दूध पीने की कोशिश करके अपना काम निकालता हूं। ऐसी जमीन पे ठुड्डा मारा खुदा ने, सारे खाने निकाल दिए मेरे। तो अच्छा मैं आपको समझा रहा हूँ, या सारे पेट शेट आपके बराबर हो जाएंगे, समझेंगे ना, सीधे हो जाएंगे। कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं जी, आना ना जी, है जी। जब मैं पहुंचूंगा ना जर्मनी, मैं आपकी मालिश करूंगा, आपकी ऐसी मालिश करूंगा आपको जवान कर दूंगा। वाह जी, वाह जी, हाँ जी। नहीं जी, जवान तो मैं हो गया हूँ, खुदा के मिशन ने जवान कर दिया जवान मुझे। कर, और जवान कर, इतनी तो मालिश करेंगे आपकी, फिट कर देंगे। मुझे आप जहाँ पे आप रहेंगे वहाँ पे एक जंगल दिखाया गया है, तो वहाँ आप दुआ करा करेंगे अतर के साथ, तो खुदा की ज़ात आया करेगी उस जंगल में। वाह हर जगह वाह जहाँ भी नबी होगा वही जंगल मंगल बन जाएगा। वो यही तो हमें चाहिए। समझेंगे नहीं? तो वो बादशाह एक जंगल में आया, तो वो फकीर कह रहा था कि बादशाह जंगल में आए तो मंगल हो जाता है, और फकीर अच्छी भली दुनिया में भी जाए तो वो जंगल हो जाता है। समझे? उसको कुछ नहीं मिलता। तो कोई प्रोग्राम बनाकर ये काम बड़ा करना अपने खुदा के लिए, तो पहले आपका दिल तोड़ेगा नहीं, पहले सुकून लाएगा,
फिर वाजा मारेगा कि तेनू प्यार वाजा मारदा, मंगी है दुहाई, आप दुहाई मांगेंगे कि दिखा तो सही। फिर वो दिल तोड़कर आपका आपको कहेगा आप सज्जन मेरे साथ चलो, आपको लेके चला जाएगा। बस वो सफर क्या होगा उसके बाद, दुनिया आपकी ठंडी हो जाएगी समझेंगे नहीं। तो बस वहाँ तक पहुँचाना, और आप बहुत खुशकिस्मत हैं, नबी बैठे हुए हैं आपके पास, और मैं इनको कई दफ़ा खुदा के साथ बैठा हुआ देखा मैं जब पहुँचा। तो ये खुदा की इनायत है। एक यहाँ पे बैठे हुए हैं सूरी साहब, तो इन दो नबियों को मैंने जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा ये बैठे हुए थे खुदा के हुजूर। तो अभी तो पता नहीं किस किस को नबी बनाएगा, पता नहीं जहूर साहब का नाम निकला है, अकबर साहब का निकला है, भट्ट साहब का निकला है। ये कमेटी पड़ी हुई, वो क्या कहते हैं हम कमेटी डालते थे ना, हूं मेरी कमेटी निकलेगी, ठीक है जी। तो पता नहीं किसकी कमेटी निकले, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ऐसा होता है कमेटी निकलने से पहले वो मुझे बता देता है कि किसकी निकलेगी। ये उसकी मोहब्बत है। आपकी आपकी इजाजत से हमारे अकबर साहब कुछ बताना चाहते हैं, कुछ माजी में बताएं। हजूर ये उस वक्त के बाद जब मैंने मैट्रिक के जमाने में जन्म था, तो मैं गोला शरीफ का मरीद, गोला शरीफ में जाकर मरीद हुआ। पीर मेहर अली कितने तेरी सुना, ए मुश्ताक खिया कितने जाड़िया, कितने मेहर अली कितने तेरी सुना, ते ए मुश्ताक अखिया कितने जाड़िया। मैं आपको बता, बात शुरू होने से पहले बता दूं, ये मेहर अली कई दफा मुझसे मिल चुके हैं रूह की दुनिया में, समझेगा नहीं। तो बल्कि ये भी बात बता दूं आपकी बात से पहले, ये ईमान भी ले आए हैं, बैत भी कर चुके हैं। गुजर अच्छा, अब आप शुरू करें। तो वापसी पे मैं कुछ बुजुर्ग लोगों में बैठना शुरू कर दिया, रात को चाय पीने की शुरू कर दी, वो विर्द दिया था वो विर्द पढ़ना शुरू कर दिया, फिर कलंदराना फैज मिल गया सांस के साथ ये करना शुरू कर दिया। तो उस जमाने में मैं मतलब यंग था, लेकिन खुदा से मोहब्बत थी उस वक्त, तो वो मुझे साथ लेके दाता साहब चले गए अली जवेरी। तो वहां मैं बैठा हूँ जहाँ महीनों दिन चिश्ती बैठते थे, तो उसके बाद वो इधर देखते थे। तो उस वक्त पुरानी मस्जिद बनी हुई थी, नई मस्जिद नहीं, पुरानी मस्जिद। तो मैं उठ के ना अकेला ही, पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, तो मैं मस्जिद में चला गया। अच्छा, मस्जिद खाली पड़ी हुई और एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। अच्छा, मैंने अतर साहब को बताया था, मैंने और दोस्तों को मैंने कभी कभी जब मूड में होता हूँ बताता हूँ। तो उनके पास एक डंडा था, वो बैठे हुए हैं बूढ़े, सफेद दाढ़ी उनकी, तो वो ब्लैक कलर का उन्होंने वो सलवार कमीज पहने हुए, डंडा साथ बैठा, अकेले बैठे हुए मस्जिद में, और दाता साहब का पूरा दरबार भरा हुआ, और मैं उठ के उनके पास चला। तो मैंने ना सलाम किया ना कुछ किया, उनके साथ जाके बैठ गया। तो मेरे सांस का जो जिक्र चल रहा था ना दरबार, सांस के साथ जिक्र चल रहा था, वो मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो मेरे मुंह से निकला ऐसे करके। उन्होंने मुझे देखा ऐसे करके, तो वो डंडा पड़ा हुआ था, मुझे मराया हल्का सा मारा। तो मैंने दिल में सोचा यार ये तो मार रहा है, तो मैं फिर बैठा रहा। फिर मेरे वो सांस के साथ जिक्र चल रहा था, फिर मेरे मुंह से निकला उन्होंने फिर डंडा उठाया और फिर मुझे मारा। मुझे कहते हैं जो चीज मिली उसको बंद कर ला अंदर, नाक बंद, कान बंद, आंख बंद, जब कर तू तो सब कुछ निकाल देता है। मैंने कहा अच्छा जी। तो दाता साहब के बाद ना वो पुराना एक बोर्ड के दरख्त था, वहां चाय बेचते थे। मुझे कहते जा चाय लेके आ मेरे पास, उस वक्त पता नहीं बहुत सस्ती चाय थी, उन्होंने कुछ पैसे दिए, तो कहते एक कप लेके आ चाय का।
मैंने कहा ठीक है जी मैं लेके, तो और रास्ते में सोच रहा हूँ यार ये अच्छा ऐसा बंदा है कि एक कप मंगा रहा मेरे लिए नहीं मंगाया बच्चा था ना, मैं सोच रहा हूँ ये। जब मैंने चाय का ऑर्डर दिया तो चाय का ऑर्डर दे के मैं बैठा हुआ, चाय अभी तैयार नहीं हुआ और एक मजदूर आ गया। मजदूर वो नंगा जो होता है ना, कपड़े पहने होते हैं पुराने नंगा, एक हाथ में उसने रोटी पकड़ी हुई है गंदी और एक एक हाथ में पैसे पकड़े। वो भरा हुआ होटल तो मेरे पास आ गया सीधा, कहता रोटी खानी पैसे लेने, रोटी खानी पैसे लेने। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं लेना, रोटी मेरे आगे करे ना, कहता खा इसको खा इसको खा। वो इतनी सी दे दी भरी हुई थी, मेरे दिल में पता नहीं क्या आया, मैंने वो पकड़ ली, कहता खा 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 ऐसे करता, वो मैंने खा ली, पता नहीं क्या मेरे दिल में आई मैंने खा ली। जब मैंने वो खाई है ना तो मेरे जिस्म में ऐसे जैसे बारूद आ गया ना, मेरा जिस्म फटने वाला होगा, मेरी आंखें बंद, वो बंद हुई, मैं घबरा गया, बच्चा था घबरा गया। घबराने के बाद में ना मेरा दिल जो ना कमजोर पड़ने शुरू हो गया, तो इतने में वो मुझे मजबूर का नहीं पता किधर गया, मेरे ख्याल सेकंड लगे हैं मिनट भी नहीं लगे, मेरी चाय अभी तैयार नहीं हुई। तो मैं जो थोड़ा सा होश आया, मेरे जिस्म में ना बड़े बड़े ना लाल रंग के दाने निकला है ना, बड़े बड़े जिस्म जैसे सुर्ख हो गया मेरा जिस्म, हाँ वो गर्मी गर्मी थी। तो मैंने उसको बोला वेटर को मुझे एक गिलास पानी कर दो, उसने पानी दिया, मैंने पानी पिया, मैं उठ के उसको देखा मजदूर को खाली सड़क पड़ी हुई, नजर नहीं आया। तो उसी वक्त एक दो मिनट के बाद ना मेरा जैसे में ऐसा हो गया जैसे फ्रीजर होता है ठंडा, दाने वगैरह खत्म हो गए सारे, मैं बर्दाश्त तो कर लिया। उसके बाद मैंने चाय ली, चाय लेके मैं जा रहा हूँ, आगे से मैं मस्जिद में गया तो वो बुजुर्ग मुस्कुरा रहे, मैंने कहा चाय ले आए बड़ी जल्दी आ गए, मैं गया जी। उसने चाय पी के मुझे आधी चाय दे दी, कहता पी इसको। मैं फिर सोचने लगा ये मुझे अपना पी के झूठा दे रहा है बंदा, मैंने पी ली, मैंने कहा बुजुर्ग आदमी पी के मुझे कहता अब तू जा, अब तू जा और जो चीज तुम्हें मिली हुई है ना इसको बर्दाश्त कर। मैंने कहा ठीक है मैं चला गया। तो उसके बाद भी मैंने एक दो बंदों से ऐसी बात की लेकिन मैं खामोश हो गया, मुझे समझ नहीं हुआ क्या माजरा। तो मैं इसलिए हजूर को ये चीज बता रहा हूँ कि ये क्या मसला हो गया। उसके बाद मैं चलता रहा हूँ इस डगर में मैं चलता रहा हूँ, लेकिन दुनियादारी ऐसी चीजें, फिर मैं वहां से ना वापस आ दुनियादारी। मैं आपको मेरा जो घर था वो 5 मिनट के फासले पर है दाता अली हजवेरी के मज़ार से। अच्छा जी अच्छा। और आपको मैं बता दूं कि मेरी पहली मुलाकात दाता अली हजवेरी से 4 साल की उम्र में हुई। अच्छा हुआ ये जहूर साहब हैं यहीं पे के यहीं पे तो मेरी वालदा लेके गई मुझे दाता अली हजवेरी के मज़ार पर। तो मेरी आदत थी कि मैं मजमे से बड़ी वो खाता हूँ, हाँ तन्हाई पसंद आ, तो मैं अलहदा होकर बैठ गया। तो मौलाना अमीर वली जो थे ये भी जाते थे मेरे साथ, लेकिन इस दफ़ा वालदा थी। इतने में दरवाज़ा खुला, कोई हरे कपड़े में आया और आके उसने टोपी मेरे सर पे रखी। तो टोपी सर पे रखी तो मैंने कहा तू कौन है? तो जब मैंने ये कहा तो चेहरा बदला, कहने लगे मैं दाता अली हजवेरी हूँ, मेरा नाम उस्मान, नाम असल में उस्मान था, उस्मान बिन जुलाबी, अफ़गानिस्तान के एक महल्ले से इनका ताल्लुक है अफगानिस्तान के। तो लाहौर में फिर इनको कहा गया था कि आप यहाँ ठहर जाएं। तो उस वक्त से मेरी मुलाकात है इनसे, तो बल्कि हफ्ते में 2 दफ़ा दाता अली हजवेरी आते थे और कहते थे मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये जितने बुज़ुर्ग हैं ना आपके,
तो मैं इनसे मिल चुका हूँ। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ, एक सांस अंदर करके जो बंद करके नहीं निकल सकी तो आपकी रूह निकल जाएगी, वो राज मैं आपको बता देता हूँ, वो जहूर साहब को भी बता देना, बट साहब तो बैठे ही हुए हैं, जी ये खुदा ने मुझे बताया। वो सांस लेकर अगर उसे बंद कर, है जी, मैं सुन रहा हूं आपको। अच्छा, वो सांस लेकर आपने काफी देर तक बंद रखी और फिर निकाला सांस, बस ये दो चीजें हैं, इन पे जिंदगी भी है, मोहब्बत इलाही भी है, दीदारे इलाही भी है, इन दो सांसों में। तो आप रात को बैठ जाना, जरा जिस्म नहा लेना, क्योंकि इम्बस के काम होते हैं तो फिर जिस्म वगैरह नहा के, तो पहले आपने 120 दफा से शुरू करना, आपने कितनी दफा, 120 दफा, जब सांस लेना पहली ऐसे करके, तो कहना है ऐसे, सांस ले तो ठहर जाए सांस अंदर, तो कहना है ए खुदा, बस ए खुदा, या कहना है ए मेरे वालदैन, खुदा, खुदाए वाहिद, ए खुदाए वाहिद वालदैन, सांस लेके बंद करनी है, जब निकालनी है तो कहना है ए खुदा के दिल। मैं आपको वो बात बता रहा हूं, पीरों ना, ये पीरों ने बताई ना, ये नबियों ने ना फरिश्तों ने, ये खुदा ने पास बैठ के बताई है मुझे, और मैं आपको कसम खा के कह रहा हूं कि मैं जब खुदा के हजूर पहुंचा एक दफा, तो खुदा खुद कह रहा था ए मेरे दिल, सांस निकाल के, ए मेरे दिल, ए मेरे दिल। तो आपने ये दो काम शुरू करने हैं रात को, एक सांस लेकर बंद करनी है और कहना है ए खुदाए वाहिद सच्चे वालदैन, बस फिर ठहरानी है सांस को, और जब निकालना है तो कहना है ए खुदा के दिल। अच्छा होगा क्या, मैं आपको तो फल भी बता दूं ना, दरख्त तो आपने लगा लिया, बीज भी लगा लिया आपने, दरख्त भी लगा लिया, फल क्या होगा, ये करते करते 120 से शुरू करना है, हो सके तो और ज्यादा कर लेना, एक वक्त आएगा जब फिर ये शुरू करेंगे ना आप, तो ऐसे ही कहेंगे ना, जब ए खुदा है वाहिद सच्ची वालदैन, सांस को बंद करेंगे तो आसमान के बादलों पे पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं राज, राज है इलाही। और जब कहेंगे ए खुदा के दिल, तो सितारों की सी दुनिया से निकलकर जंतों में पहुंच जाएंगे। ये दो सांसें हैं और ये तजर्बा। हाँ जी, हजूर, ये बोल के पढ़ना है या सांस खामोशी में करना? खामोशी में या थोड़ा सा बोलकर, पहले शुरू शुरू में बोलकर, बाद में बोलने की जरूरत नहीं। खुदा के दिल, ए खुदा, ए सच्चे वालदैन खुदाए वाहिद, ए सच्चे वालदैन खुदाए वाहिद, सांस ली, बंद कर दिया और बंद आंखों से नूर को देखना है, बस फिर वो नूर आ जाएगा, आसमानी नूर। तो जब ये वाकया फिर होते होते ऐसा हो जाएगा, जब ये कहेंगे ए सच्चे वालदैन खुदा के दिल, सांस बंद की, रूह बादलों में पहुंच जाएगी आपकी, बादलों पे तैरने लगेगी, और जब सांस निकालेंगे ए खुदा के दिल, तो आप सितारों की दुनिया से निकल के जंतर में पहुंच जी जी जाएंगे। ये अतर साहब आप बताना इनको, जरूर मैं बता देता हूँ। बस इन दो सांसों के अंदर ये नहीं आए तो जिंदगी खत्म हो जाती है, और ये खुदा ने मुझे खुद बिठा के बताया कि अपने मानने वालों को कह, और कुछ ने तजर्बा किया भी है जो मर गए हैं, ये क्या कहते हैं, क्या नाम है कि वो मर गए, मलक शाह साहब, हाँ जी मलक शाह साहब, जी शायद वो ये विरत कर रहे थे और कहते हैं मैं क्या देखता हूं कि नूर आ गया एकदम, मलक शाह साहब कहते हैं, वो वफात पा चुके हैं, मुलाकात होती जी रहती है रूह की दुनिया में, वो कहते हैं जी नूर आ गया, पहले खुदा आया फिर आप आ गए,
और कहते हैं मैं कसम खाता हूँ उस वक्त मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत में आप ही थे बस अजीज, और कोई अजीज नहीं था उस मोहब्बत के अंदर। तो ये काम शुरू करना है, लेकिन इसके करने से पहले थोड़ा सा अगर हो सके तो थोड़ी सी किताब पढ़ लेनी है। ये लाल किताब पे नहीं अड़ जाना, कहीं सारी जिंदगी लाल किताब ही पढ़ते रहे, और किताबें भी हैं, जी। हाँ जी, मार्फत लाई के और भी राज हैं। तो ये काम करना है, और फिर दो नमाज हैं रात की, तो वो भी समझा देता हूँ। आपने कहना ये है, वो नमाज तो मैंने बता दी है ना, वो अतर साहब आप बता देंगे। जी हुजूर, मैं बता दूँ अच्छा, जी। लेकिन फिर बता देता हूँ इनके लिए खास अपना। वो खुदा जिसने सारी जिंदगी मेरी हिफाजत की, ये हाँ ऐसे करके अल्लाह अकबर करते हैं ना, ये हमने अल्लाह अकबर नहीं करना, जी अल्लाह अकबर नहीं करना। वो खुदा, खुदा की तस्वीर को देखकर, जिसने सारी जिंदगी मेरी हिफाजत की और मुझे सब बलाओं से महफूज रखा, और तू ही वाह मेरा सिला है, ये कह के रुकू में चले जा रहे हैं बस। वाह और रुकू में जब तक दिल कहे ये कहते रहना है, मैं तुझसे मोहब्बत कर बैठा, मैं तुझसे मोहब्बत वाह कर बैठा, मैं तुझसे मोहब्बत कर बैठा। फिर सजदे में जाना है तो कहना तू ही मेरा सिला है, तू ही मेरा सिला है, तू ही मेरा। बस ये दो रकत पढ़नी है, लंबी चौड़ी नमाजें हमने नहीं पढ़नी, एक ऐसी पढ़नी है कि हमारी दुनिया बदल जाए, समझे कि हाँ नहीं। कि वो क्या था कि जी वो ऐसा होता है कि हमारे कुछ मानने वाले हैं अपना, वो कहते हैं जब हम मैं सजदे में जाता हूँ तो मेरी हर दफ़ा दुनिया बदल जाती है, मेरा उठने को दिल ही हजूर, नहीं करता। ऐसी नमाज पढ़ते खुदा जो सामने आ जाता है जब नमाज के दौरान खुदा आ जावे, तो फिर नमाज से कबूल हैं। हाँ होगी जी, ना। नमाज तो रह गई ना पीछे, नमाज के मुझे क्या खबर थी नमाज की, और कब खबर हुई सजूद की, तेरे नक्शे पा वाह की तलाश में मैं झुक रहा था नमाज में। वाह तो जब वो सामने ही आ वाह गया तो वो कैसी अजान, कैसी नमाज, वाह क्या, वो तो बात ख़त्म हो गई फिर तो। हाँ, तो ये, लेकिन रात को जैसे अकबर साहब ने किया, आप भी किया करें, अतर साहब को भी कहूँगा कि रात के तन्हाई में एक थोड़ी सी मोमबत्ती जलाकर खुदा की आंखों में आंखें डाल के अपने दिल का हाल बयान करना है, हाँ अपना हर दुख, हर दुख जो भी दिल पे बीत रही है, और कहना है अब पिया तेरी याद ऐसी आती है कि अब मुझे या तो मिल जा या कोई कर ऐसा बहाना मेरी आस टूट जाए। तो आपको मिल भी जाएगा, लेकिन मिल के फिर होगा ये कि जाने से पहले फिर वो बता भी जाएगा करना क्या है। वो तो खैर मैं बता दूंगा, अतर बता देंगे। करना क्या है जी इसमें, तो कोई तो जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे पास हजूर 6 मिनट और हैं जी, हाँ जी, तो लिस्बत ने कहा था कि 15 मिनट 9 बजने से पहले आप उन्हें प्लेटफॉर्म दे देंगे, हमने कहा दे उनका देंगे। ये है कि वहाँ पे आते हैं कोई 30-35 लोग, तो इन्होंने खुद बातें करनी होती हैं खुदा की, तो मैं तो शरीक नहीं हो सकता। करके अपना ही ये जूम का चैनल ले लेते हैं। इस चैनल पे रहें, ये बरकतें मिल जाएंगी, क्योंकि होता ये है 9 बजे के बाद फिर मैं स्विट्ज़रलैंड के, वो लोग भी मुझे सवाल करते हैं, फिर उनसे बात करनी पड़ती है 9 बजे के बाद, जी तो फिर 11 बजे तक चलता है ऑस्ट्रिया, आगे पीछे जो मेंबर हैं, तो मेरी रात तो वैसे ही निकल जाती है। जी आप देखें ना, वैसे सुबह से मेरा काम ही यही होता है, फिर मुझे शहरों में जाना वाह होता है, अब मैं फिर निकल जाऊंगा तो शहरों में भी मुझे बोलना होता है, तो मेरी ज़िंदगी तो बार बार ऐसा होती है मुझे पता नहीं चलता कि सुबह हुई है या शाम हुई है। वाह तो मुझे काम, फिर मुझे रात को उठ उठ कर लिखना पड़ता है, फिर सुबह को मैंने 5-6 घंटे किताब के लिए देने पड़ते हैं, फिर और धंधे शुरू हो जाते हैं, तो कोई मुझे 20 या 21 घंटे, 22 घंटे मैं खुदा के लिए, 2-3 घंटे मुझे नींद नींद के लिए निकल जाए तो बड़ी जी बड़ी बात है, समझे।
अब आपसे बातचीत हो गई। हाँ जी हजूर, अपनी सेहत का ध्यान रखा करो, ये बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा हाँ जी, तो मैंने कहा ना खान साहब मैं आया ना जब उधर, तो मैं आपकी ऐसी मालिश करूंगा कि आप जो ना बस इंशाल्लाह उधर आपके पांव दबाना चाहते हैं, बस अपना पांव का इजहार कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैं पंजाब के अंदर ये रेसलिंग का पहलवान था, 16 साल की उम्र में मैं नंबर एक था जवानों के अंदर, 15-16 साल। तो रेसलिंग में मेरा मैं जीता हुआ ट्रॉफी है मेरे पास, पाकिस्तान में ही रह गई। तो ये 5-6 छोटे मोटे पाकिस्तानी अब भी आ जाए तो मैं इनको लमलेट कर दूँ, समझेंगे ना। मैं छोटे छोटे कहता हूँ इनको। तो मैंने ये काम, अब तो बच्चे की फोटो दिखाई है वो बॉक्सिंग की, जी जी अभी अपलोड किया वीडियो। अच्छा वो दिखाना इनको, अकबर साहब को, जहूर साहब को भी, इस बच्चे का दिखाया है कि ये वर्ल्ड चैंपियन बनेगा बॉक्सिंग में। जिब्राइल ने खुद बताया कि ये दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन होगा और इसकी वजह से हमारी पूरी दुनिया के अंदर वो खुदा के घर और यूनिवर्सिटियाँ खुल जाएंगी। और पता नहीं आप खुदा के, अब आपकी बच्ची और इनकी बच्ची पता नहीं क्या क्या बरकतें देगा। तो ये तो खुदा जानता है। मैं हमेशा कहता हूँ गॉड वेज और मिस्टीरियस वेज। मिस्टीरियस क्या कहते हैं जी? खुदा के जो हजूर, मेरे 3 बेटे ने, एक बेटी है, उन्होंने लिए भी दुआ करें। हाँ जी करूँगा बिल्कुल, आप बल्कि फोटो भी दिखा देना। तो अतर साहब की तो बच्ची को मैंने उससे पूछा कुछ कुछ कहना है, कहने लगी मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। तो बच्ची की फोटो दिखा देना, अतर साहब को दे देना, मैं फिर दुआ कर दूंगा खास तौर पे। जिन जिन की भी बच्चियाँ हैं मुझे, बच्चे मुझे बता देना, क्योंकि ये बच्चियाँ और बच्चों का ये है, आप इनको तालीम देंगे ना तो बचपन छोटी सी उम्र से ही खुदा को देख के कहेंगे खुदा है। हजूर मेरा एक भाई है कट्टर मौलवी है, मैं उन्हें थोड़ी थोड़ी तालीम देना शुरू कर दी है। अच्छा मेरे दोस्त है कहने होना नहीं। अच्छा लेकिन वो होली होली आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। हाँ लेकिन जरा बच बचा के ना। अगर हो सके तो वहाँ तबलीग किया करें जहाँ पे मजहबी लोग ना हो, मजहबी, क्योंकि वो जो मजहबी ना हो वो जल्दी तालीम पा जाते हैं, समझ लेते हैं। नहीं लेकिन अगर सही तरीके से जोर, अगर उन्हें थोड़ी थोड़ी कुरान पाक से कुछ लेके कुछ इधर से जो सही, फिर उनको अगर बंदा सच्चे से माइल करे तो होते। चलो ठीक है, आपने कह दिया तो हमने मान लिया। समझाते रहे बताते रहे। तो बच्चों की तस्वीरें जो कुछ भी है, बच्चों को बताते रहें कि ये खुदा है, क्योंकि अब वो जो छोटी सी बच्ची है, ये जो जितने जर्मन है ना यूरोपियन, अपने बच्चों को बताया तो वो बच्चे खुद ही जाके खुदा के हजूर खड़े होके कहते हैं, खुदा से दुआ करना शुरू कर देते हैं, और कई बच्चों को खुदा मिल भी चुका है। तो आप अपने बच्चों की तरबियत करें, कहें बच्चे बेटे ये खुदा है, जब से इंसानियत बनी पहली दफा खुदा ने अपना अपना रूप दिखाया है, चेहरा दिखाया है। तो उन्हें समझाएं बताएं, फिर जब वो बड़े होंगे उनके लिए फिर खुदा गैर नहीं होगा, वो अपना होगा। तो उन्हें अभी से बच्चों को तालीम देनी शुरू कर दें, उनके साथ बैठ के कहें कि दुआ करनी है तो सजदे में निगाहें नीची करके नहीं, आंखों में आंखें डाल के अपने दिल का हाल बयान करना है उनको अभी से। वो तैयार हो गए ना, इतना ही तैयार हो गए कि कहेंगे ये खुदा है, बाकी खुदा खुद ही संभाल लेगा इन बच्चों को। तो ये आज से ही शुरू कर दें प्लीज, मेहरबानी करके, ताकि वो मानूस हो जाएं खुदा की तस्वीर से। क्योंकि ये मेरा तजर्बा है पाकिस्तान में भी, 1987 में बड़े बड़े बुड्ढे मुफ्ती और पता नहीं क्या क्या, मैं हाथ ऐसे करता था, मैं कहता था देखो, कख नजर नहीं आता था, 500 बच्चे खड़े होते थे, सब कुछ दिखाई देता था। तो अभी से तरबियत शुरू कर दें बच्चों की, मेहरबानी करके।
पहले ही शुरू से दिखाएं और कहें ये खुदा है, ये तुझे इससे मांग जो कुछ मांगे, और इससे अपनी उसको ये भी बता दें कि इससे सिर्फ ये मांग कि मेरे दिल में अपनी मोहब्बत बसा दे, बस ये मांग, बाकी सब कुछ खुद ही मिल जाएगा। तो प्लीज मेहरबानी करके ये काम करें जी सर। तो बाकी इतवार को ही मुलाकात होगी, फिर मंडे को भी मुलाकात होगी, ठीक है। बाकी बच्चों की तस्वीरें वगैरह अतः साहब दे दें, या जी मैं सेंड कर दूंगा। और लेकिन इन सबको भी वो मेरा दूसरा नंबर दे दें जहाँ पर मैं सवाल जवाब करता हूँ। और अमान साहब भी, और ये जितने हमारे मेंबर और भी हैं वो मेरा ये पुलिस सिक्योरिटी नंबर ना दें। जी बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, तो वो मुझे इशारे कर रही है। जी सर बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी आपके का। बाकी सवाल वगैरह जो भी है आप बोल के वो दूसरी हैंडी पे पूछ लिया करें प्लीज, थोड़ी सी देर हो जाती है लेकिन जवाब मैं जरूर दूंगा। कोई सवाल बड़ साहब, जहूर साहब, अकबर साहब, आप जो भी हैं, वो पिछली दफा आपने शेर सुनाए थे वो मैंने सुन लिए, मैं भूल ही गया आपको जवाब देना। वो मेहल अतर की उसमें थे तो जी, जी, क्या जी, बात जी। है, खुदा ने आपको आपके आपके अकबर साहब के शेर सुन के मैं बहुत दूर पहुंच जाता हूँ कुछ शेर तो। क्या बात है, मैं भी सुनाता हूँ जिंदगी का। हाँ जी सुना दे, जस्ट वन मिनट, आने मिनट। हाँ, तेरे आते हुए अजा हुई जाते हुए नमाज, आते हुए अजा हुई जाते हुए नमाज, कलील इतने वक्त में आए और चले भी। इतने वक्त में आए और चले भी। वाह जी वाह। एक जिंदगी सिर्फ इंसान की इतनी है कि अजान और नमाज में जितना फर्क है, जितना टाइम है, बस इंसान की इतनी जिंदगी और प्लानिंग है, वो साहब क्या क्या करता है। बल्कि यहाँ तक होता है मौत के वक्त पे पूछा जाता है कितनी देर जिंदा रहा, तो आप दिमाग पे बड़ा जोर डालेंगे, आपका दिमाग बता नहीं सकेगा कितनी देर जिंदा रहा मैं। तो फिर आप कहेंगे कोई आधा दिन या एक शाम में जिंदा रहा जमीन पर, ये इतना सा वक्त रह जाता है वहाँ पे। अच्छा मुझे इजाज़त दे दें क्योंकि वो जी,